शांति। आज की तारीख है 24/11/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न है आज का प्रवृत्ति वाले बाबा से। प्रवृत्ति वाले माना घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछते हैं और फिर बाबा उन्हें क्या राय देते हैं, उन्हें क्या श्रीमत मिलती है। उत्तर है कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम धंधा करें, किसी भी प्रकार का धंधा सोचते हुए वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा भले करो, हाँ रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा, हाँ रॉयल धंधा कौन सा और छी छी धंधा कौन सा। तो छी छी धंधे की समझ मिल जाए तो वो हमें नहीं करना है, बाकी के धंधे हमें करने हैं या कर सकते हैं। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। बाबा कहते हैं जो काम करने से विषयी विकारी मनुष्य आत्माएं बने ऐसा कोई भी धंधा बच्चों को नहीं करना है। धारणा के लिए मुख्य सार दो बातें हैं। नंबर एक है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। हाँ धंधा भले करें परंतु उस धंधे के साथ साथ बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों की कमाई भी करो। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। नंबर दो धारणा की बात है याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे, इसीलिए सावधान भी रहना है। वरदान है आज का तूफान को तोहफा माना गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही, हाँ कुछ हथौड़ी छेनी से काम तो किया ही जाएगा, तो हथौड़ी तो कहाँ कहाँ लगेंगी ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, वो तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बन आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है आज का अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।